नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वैदिक नॉलेज चैनल में। आज हम आपको कुछ तस्वीरों के बारे में बताएंगे जिन्हें अगर आप अपने घर में रखेंगे तो आपको प्यार और पैसा भरपूर मिलेगा। तस्वीरों और मूर्तियों से आप अपने घर को सजा कर रखते हैं। इसका मकसद यह होता है कि आपका घर सुंदर और आकर्षक लगे, जिससे कोई भी आए तो उसे अच्छा महसूस हो और वह आपके घर की सजावट की तारीफ करें। लेकिन शायद आप यह नहीं गौर करते हैं कि ये साज सज्जा घर में सकारात्मक ऊर्जा को लाकर आपके धन और सुख को बढ़ाने का भी काम करती है, तो कुछ उल्टा प्रभाव भी डालती हैं। वास्तु विज्ञान और फेंगशुई के अनुसार अगर आप घर के साज सज्जा में इन 7 तस्वीरों को शामिल करेंगे तो आप लाभ खुद महसूस कर सकते हैं। घर के दक्षिण पश्चिम दिशा में पहाड़ की तस्वीर लगाएं। तस्वीर में पहाड़ से पानी गिरता हुआ नहीं होना चाहिए। वास्तु विज्ञान के अनुसार इससे आत्मविश्वास और प्रभाव बढ़ता है, साथ ही धन और सुख में स्थायिता आती है। घर के पश्चिमी दीवार पर सफ़ेद बाघ की तस्वीर लगा सकते हैं। माना जाता है कि इससे जादू टोना, नज़र दोष, ऊपरी चक्कर जैसी चीज़ों से बचाव होता है। शिकार करते हुए या आक्रामक बाघ की तस्वीर न हो, इसका ध्यान रखें। शयन कक्ष में भगवान श्री कृष्ण और राधा की साथ में बांसुरी बजाते हुए तस्वीर लगाएं। इसकी सकारात्मक ऊर्जा परिवार में पति पत्नी के प्रेम और तालमेल को बढ़ाने में सहायक माना जाता है। भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ की तस्वीर घर के दक्षिणी दीवार पर लगाएं। यह आत्मविश्वास को बढ़ाने के साथ ही आयु और परिवार की खुशियों को स्थायिता प्रदान करती है। दौड़ते घोड़े की तस्वीर घर और कार्यालय में लगाएं। फेंगशुई में इसे अग्नि का प्रतीक माना गया है और ऊर्जा से भरपूर होता है और हर काम में सफलता एवं प्रगति को दर्शाता है, इसलिए उन्नति और तरक्की के लिए इन्हें आजमा सकते हैं। नृत्य करते हुए गणेश जी की तस्वीर शयन कक्ष और ड्राइंग रूम में लगाएं। वास्तु विज्ञान के अनुसार इसके सकारात्मक ऊर्जा से घर में आनंद, प्रेम और समृद्धि बढ़ती है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं हमारा यह वीडियो आपको पसंद आया हो, और अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें। और अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर हमसे जुड़ जाइए। धन्यवाद।